अच्छा रोज, you know, एक बात तो बड़ी सर्टेन है that you look absolutely gorgeous. Thank you. You're welcome. लेकिन एक बात अनसर्टेन है. What are we doing here? Please tell me, मैं आपके साथ डेट पे आया हूँ. नहीं ऐसा कुछ नहीं है अनुभव. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड थिंग इज तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे क्यों हैं? लाइक आई मीन यू शुड लुक अराउंड, जस्ट लुक एट दीस पिक्चर्स, द बॉल्स आर देयर. लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर पीपल हियर? आई डोंट नो, मतलब जो मैं क्रिकेटिंग गियर देख रहा हूँ उससे साफ पता चल रहा है कि दिस इज अ क्रिकेट जोन. लेकिन इस जोन में कर क्या रहे हैं? आर वी प्लेइंग क्रिकेट? नहीं, डेफिनेटली नॉट. हम यहाँ पे खेलेंगे नहीं अनुभव, रिलैक्स. बट हाँ, यहाँ पे हम क्रिकेट की बात जरूर करेंगे. तुम्हें पता है एक मैच होने जा रहा है यूएई वर्सेस बांग्लादेश दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में वेरी सून. ऑफ कोर्स आई नो. डू यू थिंक मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूं? डू यू थिंक यू आर द ओनली वन हु फॉलोस क्रिकेट? इट्स द स्काई एक्सचेंज टी20 फ्रेंडशिप सीरीज बिटवीन बांग्लादेश एंड यूएई. बांग्लादेश इज टूर ऑफ द यूएई, दो मैचेस होंगे जैसे आपने कहा दुबई के शानदार स्टेडियम में. एंड यही मैचेस हमारे व्यूअर्स अतरंगी के ऐप पे कैच कर सकते हैं. एंड यस, वी आर हियर टू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज ऑन अ वेरी अतरंगी क्रिकेट काउच. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आई डोंट नो, लेट्स गेट गोइंग. यस, लेट्स रोल. तो एक बार फिर से आपको बता दें, आई एम अनुभव जैन एंड आई एम रोज सरदाना एंड वी आर हियर ऑन द अतरंगी क्रिकेट काउच. देखिए जैसे हमने पहले कहा, यू नो इट्स द फर्स्ट मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड यूएई, स्काई एक्सचेंज टी20 फ्रेंडशिप सीरीज का, दुबई में खेला जाएगा. नाउ पीपल मस्ट बी वंडरिंग, यार इतना क्रिकेट तो होते रहता है ऑल ईयर राउंड, सब जगह सीरीज चल रही होती है, व्हाट इज ग्रेट अबाउट दिस सीरीज? यार रोज, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो, बट ये कोई फ्रेंडली सीरीज नहीं है, इट्स एन आईसीसी इंटरनेशनल मैच. And not just that, Anubhav, but World Cup T20 is round the corner. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैच है ज़्यादा crucial इसलिए हो जाता है because the teams will get to know their form, right? अगर मैं past की बात करूँ तो दोनों teams की जो forms हैं वो इतनी खास नहीं रही हैं. इतनी खास? I think you should say miserable. You hit the nail on the head. It's been miserable. सबसे पहले देखिए UAE का आकलन करते हैं. Recently एशिया कप क्वालिफायर्स में तीन मैचेस खेलने पड़े, right? दो हारे, सिर्फ एक ही जीता सिंगापुर के खिलाफ. कुवैत के खिलाफ हार मिली, हांगकांग ने उन्हें धूल चटाई. यार व्हाट इज दिस यार, इसे पता क्या कहते हैं? गरीबी में आटा गीला होना, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी. बिल्कुल सही कहा अनुपम. बट यूएई, दिस कंट्री हैज सच अ रिच क्रिकेट हिस्ट्री, और ऐसे कई बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं जो इस कंट्री ने हमें दिए हैं. टू नेम देम, खुर्रम खान, अहमद रजा, रोहन मुस्तफा, एंड आई थिंक दीस गाइस मस्ट बी फीलिंग वेरी बैड यार. 100%. देखिए आपने हिस्ट्री के बारे में बात की, बट देखिए जो बीत गई सो बात गई, उसको बोलते हैं लेट्स बैरी द पास्ट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट. ठीक है, और प्रेजेंट में फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, बट आई थिंक देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. यू नो इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स ऑन पेपर. एक रीजन है, बिकॉज आई तो फील बिहाइंड द सीन्स कुछ चल रहा है, दाल में कुछ काला है. क्योंकि एशिया कप की शुरुआत के जस्ट पहले उनके तत्कालीन कप्तान अहमद रजा, उनको कैप्टनसी से स्ट्रिप किया गया, आफ्टर व्हिच ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग 11. And then उनके मार्की खिलाड़ी जिनका नाम आपने लिया, रोहन मुस्तफा, he was dropped from the 11 as well. I mean, ये क्रिकेट चल रहा है कि reality show? कुछ भी हो रहा है, किसी को भी निकाला जा रहा है, किसी को भी डाला जा रहा है. Not just that, but अनुभव, रोहन, उनके मार्की प्लेयर जो तुमने अभी कहा, उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी निकाला. I know, right? I mean, that was an absolute shocker. Who does that, यार? रोहन मुस्तफा, उनका मार्की प्लेयर, how do you drop that? Anyway, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आई, बट व्हाटएवर इट इज व्हाट इट इज, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है. उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो आई मीन हमारे समझ से के बाहर है 100%. लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था, लाइक उनके लेजेंड खुर्रम खान ने एक बड़े रोमांचक फेसबुक पोस्ट किया. आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट दिस. आई नो अबाउट दिस. यू डू? यू डू वांट मी टू से इट? नहीं, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं. देखो मैं होमवर्क करके आया हूं, लेट मी से इट, डोंट स्टील माय थंडर. खुर्रम खान उनका फेसबुक पोस्ट, वो कहते हैं, यू नो, इन अ स्लाइटली कंट्रोवर्शियल मैनर कहते हैं कि इफ देयर इज वन पर्सन हु शुड बी ड्रॉप्ड, इट शुडन्ट बी एनी ऑफ द प्लेयर्स, कोच रॉबिन सिंह को ड्रॉप करो. व्हाट इज हैपनिंग? इमेजिन, एक ऐसा, मतलब मैं कहूंगी रॉबिन सिंह एक समय हुआ करता था व्हेन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एंड नाउ क्या कर रहे हैं? जूम कॉल पे कोचिंग दे रहे हैं. 100%. आपने कहा बेस्ट फील्डर, आप फील्ड पे ही नहीं उतर रहे, अपने ऑफिस में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, एसी चलाए हुए, चाय सामने है, और आराम से जूम कॉल के थ्रू ही इज कोचिंग द प्लेयर्स. आई मीन हाउ डू आई अप्लाई फॉर दिस जॉब? मतलब कैसे कर सकते हैं? बिकॉज़ आई वुड लव दिस जॉब. अनुभव, डोंट बी अ कोच, बी ऑन द स्काउट, बेटर.
क्या इंसल्ट था, बड़े मस्त से आई लव द वर्ड प्ले, आई लव द वर्ड प्ले. But you know what, jokes apart, I think it's a very, very serious thing that World Cup is just 20 days away for the UAE team. And I think our team ki responsibility hai, they should start making better combinations, right? 100%, 100%. Kyunki recently unka form achha nahi raha hai, but this is going to be a nice opportunity unke liye. You know, experiment kar payenge. Aur CP Rizwan, unki jo naye kaptan hai, right? He's also looked out of sorts. Yes. But unke paas mauka hai. लेकिन यू नो रोज टू बी फेयर टू सीपी रिजवान, माना कि उनका फर्स्ट असाइनमेंट एज कैप्टन निराशाजनक रहा, लेकिन बेकार में जनता, पब्लिक, क्रिकेट फ्रेटर्निटी उनको इतना फ्लैक देती है बिकॉज यार बंदे के पास कुछ स्टेबिलिटी नहीं है. उनकी स्टार्टिंग 11 एवरी मैच में चेंज होती रहती है. ये चॉपिंग चेंजिंग देयर इज नो फॉर्मेट एंड आई थिंक द ऑडियंस, द पीपल, द पब्लिक, दे हैव दिस हैबिट of criticize, of criticizing a captain specially. Haan. Don't you think so? I know, but jo bhi, you know, at the end of the day, you can't deny the fact that results kafi kharab rahe. And I think kaptan ko, as well as coach Robin Singh ko, they have their tasks cut out. Jyada time nahi hai, they have to turn the tables as soon as possible before World Cup shuru ho jaye 20 din ke samay mein. Yes, you are right. And these two matches against a good team, Bangladesh. Mujhe nahi lagta, Anubhav, isse zyada better deal koi ho sakti hai. Aur mujhe nahi lagta ki isse zyada best ड्रिल भी कोई हो सकती है बिफोर द वर्ल्ड कप. और मुझे याद है कि अगर मैं इन दोनों टीम्स की बात करूं, बांग्लादेश एंड यूएई, तो 6 साल पहले एक मैच हुआ था मीरपुर में जहां पे बांग्ला टाइगर्स ने यूएई को डिफीट किया था बाय 51 रन्स. एंड आई थिंक दिस इज नाउ द सेकंड टाइम द टीम विल कम फेस टू फेस. एब्सोल्युटली, मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड वैसे कुछ है नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट वन मैच. द सैंपल साइज बहुत छोटा है इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, if you can even call it history, but I think that's a good thing, you know, kyunki is match mein freshness aayegi, not just for the two teams playing each other, but fans ke liye bhi, you know, it's going to be a novel experience watching this. Aur aapne practice drills ke bare mein baat ki, ek acha mauka milega for both teams to play well. I think in addition to the UAE, Bangladesh ko bhi kafi practice ki zarurat hai because recently Asia Cup mein Bangladesh ki bhi halaat like kafi kharab the. Afghanistan ke khilaf haar mili, then Sri Lanka ke khilaf jeeta hua match गवा दिया. बट यू नो वॉट, आई वॉज नॉट टू सरप्राइज्ड क्योंकि बांग्लादेश की थोड़ी रेप्यूटेशन बन चुकी है दैट विनिंग पोजीशन से दे जस्ट बॉटल इट, यू नो, मैच गवा देते हैं. एंड आई थिंक यूएई मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. यूएई को आई एम श्योर कि पता ही होगा इस चीज के बारे में. बट यू नो वॉट अनुभव, T20 है यार, यहाँ पे कुछ भी होता है, अप्स एंड डाउन होते हैं. बट यू नो आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैं आज बहुत अपसेट हूँ. ये डेट अच्छी नहीं जा रही इसलिए, मुझे लगा था कोई बेटर रीजन दोगे. बट मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि शाकिब इज नॉट प्लेइंग. कैन यू जस्ट इमेजिन दिस थिंग, लाइक वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर एंड ही इज नॉट इन द टीम. आई नो, मैं भी हक्का बक्का रह गया टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट. आई थॉट कि एशिया कप का यू नो कैंपेन अच्छा नहीं रहा, शाकिब दा को काफी मार पिटी, तो दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू कम बैक विद अ बैंग. लेकिन हमारे बाबू मोशा है Caribbean में बीचेस का मजा ले रहे हैं और सीपीएल खेल रहे हैं. But what's happened? You know, that begs the question, what's happened? क्योंकि एक टाइम हुआ करता था when players used to take so much pride in donning their respective, you know, countries' jerseys. But अब यार, you know, they're giving preference to these cash-rich leagues. I mean, what do I say? अनुभव, ना बीवी ना बच्चा, ना भाप बड़ा ना मैया, the whole thing is सबसे बड़ा रुपया. 100% कैश इज किंग बॉस. 100% ट्रूअर वर्ड्स हैव नेवर बीन स्पोकन. कैश इज किंग, कैश इज क्वीन, कैश इज एवरीथिंग. बट एनीवे, यू नो, बैक टू क्रिकेट. शकीब खेलने रहे, उसके चलते विकेट कीपर नूरुल हसन जो इंजर्ड थे ड्यूरिंग द एशिया कप, आई नो, उन्हें कप्तानी सौंप दी गई है. भाई, यू नो, प्रेशर तो काफी है, बट दिस से, यू नो, प्रेशर builds diamonds. So dekhte hain, can he actually use that pressure to sparkle like a diamond? And but pressure aur zyada hai because he was injured. Exactly. Getting into that form again. 100%. To injury ke baad aao, right? Khud ko wapas form mein lana padega. Aur ab team ko bhi form pe lana padega. Aise pata kya kehte hain? Ek par ek free in terms of responsibilities. You know what, Anubhav? Tumhare jokes ki value appreciate ho na ho, but there is one player in the team of Bangladesh jinki value zarur depreciate ho gayi hai. I'm talking about Mohammadullah. I mean what a class, what an amazing experience, what a player. And he is the one who is not playing in this tour but also not in the World Cup now. Nahi, thoda surprising to hai, I must say. It is badi underrated player hai, badi understated player hai, and you have to say he's been a loyal servant to Bangladesh cricket. 15 saal ka experience raha hai.
15 साल का अनुभव रहा है. You see the word flex. Yeah, I can see how you use your name in such a right manner. But anyway, continue. But you know, to be completely honest, Rose, अगर उनके recent form पर हम प्रकाश डालें, then T20I के प्रारूप में इतना अच्छा रहा नहीं है. तो it's not so surprising कि उन्हें इस सीरीज के लिए प्लस वर्ल्ड कप के लिए exclude किया गया है. See, Anubhav, I can only say one thing here. कि T20 है एक अलग ही फॉर्मेट एंड आई थिंक एवरी प्लेयर इट बी एनी वन हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्ले. सो आई थिंक मे बी ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश अपने और प्लेयर्स को एक मौका देना चाहता होगा. दिस कैन बी अ फैक्ट. Agreed. आपने कहा यू नो फास्ट इवॉल्विंग गेम है, डायनामिक है, जस्ट लाइक आवर अतरंगी ऐप. देखिए उनके लेजेंड्स के बारे में हम बात करें, मुशफिकुर रहीम अनदर लेजेंड ऑफ बांग्लादेश, फॉर्मर कैप्टन ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया. एंड देखिए इट्स यू नो बांग्लादेश इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस फाइस्टी टीम्स जिन्हें आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते. यू नो ऑफ कोर्स कभी-कभी परफॉर्मेंसेस पुअर होते हैं, बट एवरी नाउ एंड देन यू नो दे बीट द बिगेस्ट ऑफ टीम्स, सो दे कैन कंपीट विद द बेस्ट इन द बिजनेस. एंड ऑफ कोर्स यू नो हम आशा करेंगे कि नागिन डांस देखने को मिले इस सीरीज में. नागिन डांस देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा दुबई के शानदार स्टेडियम में. And that too, Sky Exchange Friendship T20 series का पहला मुकाबला. यार, are you excited, Anubhav? Oh, my excitement is through the roof. क्योंकि दुबई में at the Ring of Fire हमें fireworks देखने को मिलेंगे. Fireworks देखने को मिलेंगे. दोनों teams के best possible combinations भी देखने को मिलेंगे. Combinations के बारे में बात करते हैं. You know, आपने बात छेड़ी, तो combinations के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले we'll start with UAE. और उनकी बैटिंग लाइनअप से शुरुआत करते हैं, बिकॉज यू नो दे से द बैटिंग इज द स्पाइन ऑफ द टीम. टॉप 4 बैट्समैन है. आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा इफ यूएई हैज टू यू नो हैव इवन अ स्लाइट चांस ऑफ बीटिंग बांग्लादेश. मोहम्मद वसीम, विकेट कीपर अरविंद, अप एंड कमिंग टैलेंट चिराग सूरी और द कैप्टन हिमसेल्फ सीपी रिजवान. चिराग सूरी आई थिंक ये वही बंदा है ना जिसने 88 रन की पारी खेली थी एशिया कप में. राइट. एंड दे लॉस्ट द मैच बाय 1 विकेट. आई थिंक देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉमिसेस शोन एंड आई थिंक अब बांग्लादेश के बॉलर्स के आगे ये लोग किस तरीके से खेलते हैं ना, इट्स अ ट्रीट टू वॉच. या यू नो उस 88 रन की पारी के बाद वो अंधेरे में चिराग के तरह चमके. ही वाज अ बीकन ऑफ लाइट इन यूएई'स बैटिंग डार्कनेस. आई एम प्रीटी श्योर प्रेमचंद जी शेक्सपियर आर प्राउड. यू नो यू आर प्राउड ऑफ मी. Anyway, I'm proud of you. Thank you. I think your vote of confidence counts the most, you know, yes. To be completely honest. Yes. But देखिए उनके साथ साथ उनके you know partner in crime opening position में मोहम्मद वसीम, उनका भी form बहुत अच्छा रहा है. You know 200s in T20Is. यार अच्छे अच्छों की 200s नहीं है, उनके 200 है. औसत 40 plus. Strike rate above 150. यार he is your ideal batsman as an opener in T20Is. धोबी पछाड़ बल्लेबाज नहीं है. लेकिन यू नो व्हाट अनुभव, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ओपनिंग बैट्समैन. आई थिंक नंबर 3, नंबर 4 दे नीड टू सपोर्ट एज वेल. अब अरविंद द विकेट कीपर, उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है T20 में, बट आजकल अगर हम देखें तो उनका फॉर्म भी काफी अच्छा नहीं चल रहा है. सो आई थिंक द रन्स शुड फ्लो फ्रॉम हिज बैट. डोंट यू थिंक सो? नहीं, 100% और सीपी रिजवान के बल्ले से भी देखिए वी हैव टू से कि सिंपथाइज करना पड़ेगा. ही हैज बीन थ्रोन इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, बट इट इज व्हाट इट इज. कप्तान है, ही हैज टू लीड बाय एग्जांपल, हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. बैट्समैन एग्जांपल सेट कर रहे हैं, बट आई हैव टू से जो हमारे बॉलर्स होते हैं ना टीम के, दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ एवरी टीम. एंड दिस टीम दे हैव लाइक 3 फिनोमिनल बॉलर्स विद देम, जिनमें हमारे जो फॉर्मर कैप्टन है अहमद रजा, वो भी है लिस्ट में. आपने कहा फॉर्मर कैप्टन, you know, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा that he's a former captain. How can you strip him of the captaincy? I don't exactly know what happened. I mean, anyway, the unthinkable happened. I can't explain it, but only UAE cricket knows what exactly is happening. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. Yeah, Rose, I must say, you know, you're in top form with your dialogues. 10 on 10 with your Bollywood dialogues. Top marks to you. But देखिए, you know, we were talking about Ahmed Raza. कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं है. हु नोज, मे बी बिकॉज कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं है, ही माइट जस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ अ लॉट मोर फ्रीली एंड ज्यादा घातक साबित हो जाए फॉर द ऑपोजिशन. और अगर घातक गेंदबाजों के बारे में बात की जाए, देन वी हैव टू टॉक अबाउट ज़हूर खान. फिनोमिनल रिकॉर्ड है यार, 41 विकेट्स इन T20Is, इकोनॉमी ऑफ अंडर 7, एवरेज ऑफ अंडर 20. यार व्हाट मोर डू यू नीड? यू नीड लाइक मे बी अ गुड बॉलिंग ऑलराउंडर.
काशिफ, एक ऐसे गेंदबाज जो इतनी अच्छी गेंदबाजी तो करते ही हैं और नीचे आकर फटाफट से 20 रन मारकर भी चले जाते हैं। He fits in so well. यार फटाफट का जमाना है। हम लोग ने UAE का बारीकी से आकलन किया। Let's move to the other side of the ledger. Let's talk a little bit about Bangladesh also. In fact, comprehensively बात करते हैं। देखिए Nurul Hasan making a comeback. Litin Das making a comeback. Nurul Hasan of course making a comeback as captain. To be honest with you, उनका T20 record अगर आप देखो ना, उन्हें कप्तानी कैसे मिली is a bit questionable. But at the same time, अगर CP Rizwan वो captain बन सकते हैं, तो it's not too much of a surprise कि Nurul Hasan भी captain बन गया है. Yes, and welcome back to Litin Das. एक ऐसे player who I think has probably not achieved as per his talent. इतना potential है, इतने दमदार खिलाड़ी हैं, but अभी तक वो नहीं मिला है. And I think this is the best setup for him to regain his form before going to the World Cup T20. I have to say this. 100%. देखिए बहुत ही अनुभवी player है, बहुत तजुर्बा है, तो उम्मीद काफी है उनसे. लेकिन उम्मीद मुसद्दक हुसैन से भी है. देखिए बड़ी तेज गति से रन बनाते हैं, chips in with wickets as well. And I think उनकी जो versatility है, that's what makes him an X factor. Versatility से याद आया अनुभव, UAE को बांग्लादेश की versatile bowling भी तो face करनी. And one of my favorite fizz, Mustafizur is there. The fizz. Yes. 100%. I thought कि उनको captain बनाया जाएगा. लेकिन whatever, bowling department के captain तो वही होंगे. And उनके साथ साथ another dangerous bowler, Tuskin Ahmed, जो काफी slippery customer है as a bowler. And spin department की ओर चलते हैं, Mehdi Hasan. देखिए बड़े grounds है, right? Dubai International Stadium is a big stadium. तो I don't think it's going to be easy to dispatch Mehdi Hasan over the boundary rope. यार तुम तो अनुभव पहले से यूएई के सभी बैट्समैन को डरा रहे हो. आई हैव टू से व्हाई आर यू डूइंग दिस. आई मीन इट्स अ गुड विकेट इन दुबई एंड द चेजिंग हैज बीन रिलेटिवली इजीियर ऑन द ग्राउंड. मैं ये नहीं कहूंगी कि टॉस ही मैच डिसाइड करेगा, बट अगर सेकंड इनिंग्स में ड्यू हुआ तो बॉलिंग करना थोड़ा सा टफ हो सकता है. क्या बात है रोज, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस, आई मस्ट से आई एम इंप्रेस्ड. तुमसे ही सीखा है. मैं सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा हूं, आई एम एक्चुअली वेरी वेरी इंप्रेस्ड. एनीवे देखिए, अब आई पुट यू ऑन द स्पॉट, ओके? बांग्लादेश वर्सेस यूएई, कौन बाजी मारेगा, किसका पलड़ा भारी है, ऊंट किस करवट बैठेगा? आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द टीम. ये डिप्लोमेटिक आंसर्स नहीं चलेंगे. आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर टीम, बट या इस टूर्नामेंट पे काफी कुछ स्टेक पे है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय दिस मैच, बट यस, सिंस यू हैव आस्क्ड मी सो मच, मुझे लगता है बांग्लादेश विल विन द मैच. रोज यू रेड माई माइंड, मैं भी आपकी बात से सहमत. But now should I tell you what my heart is telling? Tell me. इस analyzing session में मुझे बड़ा मजा आया. एकदम कड़क. But you know what, AJ? There's much more to come. You heard that correctly. Much more to come indeed from our side on this Atrangi cricket couch. Filhal, let's wait for the match tonight. And you people stay tuned to Atrangi. Bye. इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने को है, क्योंकि स्काई एक्सचेंज फ्रेंडशिप सीरीज यूएई और बांग्लादेश का पहला मैच इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. देखो मैच तो मैंने और रोज ने कर दिया है सेटअप विस्तार में, और जिसे आप देख सकते हैं इसी ऐप पर. बट राइट नाउ इट्स टाइम टू चूज द बेस्ट 11 अक्रॉस बोथ द टीम्स. सो लेट्स रोल द अतरंगी फैंटेसी मिक्स. तो रोज, without wasting any time, विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं. Who are you picking and why? यार, I'll go for Nurul Hasan. हसो मत, you never know, the captaincy might make him perform better. Might. चलो, let's hope for the best. Cool. I'm going with Arvind. देखो, उनका track record काफी अच्छा है. तो विकेट कीपर्स हो गए इन Nurul Hasan and Arvind. So let's go with the batters now, and I'm going with Shabbir Rehman. यार, बंदे में बहुत high potential है. शब्बीर के साथ साथ एक और बांग्लादेश प्लेयर है, आतिफ हुसैन. उनकी इनिंग श्रीलंका के खिलाफ इन द एशिया कप बड़ी कड़क इनिंग्स थी, सो आई थिंक ही हैज द पोटेंशियल टू डिलीवर हाई रिटर्न्स एज़ वेल. ट्रू. सो अनुभव, नाउ लेट्स लुक एट द यूएई बैट्समैन, एंड वी हैव द टैलेंटेड चिराग सूरी. लेट्स बैक हिम टू गेट मोर रिटर्न्स. और चिराग सूरी के साथ साथ एक और सलामी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम, जिनका तगड़ा औसत 40+, 150+ स्ट्राइक रेट और 200 in T20 is, I think he's irreplaceable.
बिल्कुल सही. सो सिक्स आर डन नाउ, इट्स टाइम टू पिक द ऑलराउंडर्स. ऑलराउंडर नंबर वन अकॉर्डिंग टू मी शुड बी मुसद्दिक हुसैन. देखो बंदा बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, कहीं ना कहीं तो पॉइंट्स ले आएगा. एंड आई ऑल्सो थिंक ही शुड बी अ वाइस कैप्टन. एंड अहमद रजा, आई मीन उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है. एब्सोल्युटली ट्रू. तो मुसद्दिक हुसैन, अहमद रजा बन गए ऑलराउंडर्स. नाउ द ओनली वंस लेफ्ट आर थ्री बॉलर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद फिस मुस्तफिजुर रहमान, एंड ही कैन बी द कैप्टन एज वेल. 100%. आई थिंक मुस्तफिजुर ऑब्वियस चॉइस. मुस्तफिजुर के साथ साथ उनके जोड़ीदार घनिष्ठ मित्र टस्किन अहमद, another bowler who makes up an option in the pace department. To do picks ho gaye, ek pick baki hai. Rose, whom do you pick? So let's wrap it up with UAE pace man Zahoor Khan. I think with that we've got a very good fantasy mix of these 11 players. और अगर आप भी इन players को अपनी fantasy teams में रखेंगे तो यकीन मानिए high returns के ज्यादा chances हैं. देखिए इन्होंने जो भी कहा मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. एक बार फिर से यू नो रिकैप कर लेते हैं हमारे अतरंगी फैंटेसी मिक्स के 11 को. विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं. वी गॉट नूरुल हसन एंड वी अरविंद. बैटिंग डिपार्टमेंट में शब्बीर रहमान, आतिफ हुसैन फ्रॉम बांग्लादेश, चिराग सूरी एंड मोहम्मद वसीम फ्रॉम यूएई. ऑलराउंडर्स में अहमद रजा एंड मुसद्दिक हुसैन. एंड वी फिनिश विद द बॉलिंग डिपार्टमेंट, फिज, टास्किन अहमद and Zahoor Khan, and Fizz is a captain and Mussaddiq Hussain a vice captain. So AJ, I think ours is a pretty balanced side, but can your side beat ours? All the very best, may the odds be in your favor. This is it from the Atrangi Fantasy Mix. Ciao ciao.